हरियाणा में जारी है विधानसभा चुनाव की वोटिंग। 3 बजे तक 49.13% हुआ मतदान। शाम 6 बजे थमेगा मतदान। हरियाणा में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश। जुलाना से बीजेपी प्रत्याशी योगेश बैरागी पर लगा चुनाव प्रभावित करने का आरोप। जुलाना से बैरागी का विनेश फोगाट से है सीधा मुकाबला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे राहुल गांधी। छत्रपति की मूर्ति का किया अनावरण। पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कोल्हापुर में बीजेपी पर गरजे राहुल गांधी। बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। कार्यकर्ताओं से छत्रपति की विचारधारा की रक्षा करने की अपील। कोल्हापुर में दलित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। परिवार के सदस्यों के छलके आंसू। मुलाकात को बताया न भूलने वाला पल। बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली सरकार ने मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट किया पास। नोट में की मार्शल्स को बहाल करने की मांग। पुणे से बीजेपी कार्यकर्ता मयूर मुंडे ने छोड़ी बीजेपी। 2021 में पीएम मोदी का मंदिर बनाकर चर्चा में आए थे मुंडे। पार्टी पर लगाया कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। यासीन मलिक का हलफनामा। कहा 1994 में ही छोड़ दिया था हिंसा का रास्ता। खुद के गांधीवादी रास्ते पर चलने की कही बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। बोले अक्सर विश्व गुरु और आत्मनिर्भर बनने की होती है बात। ये सब हकीकत में करने से पहले खुद में लाना होगा बदलाव। एससीओ समिट में जाने को लेकर बोले जयशंकर प्रसाद। कहा भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं पाकिस्तान। 14-15 अक्टूबर को पाक जा रहे हैं जयशंकर। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को मिली जीत। भारत को 58 रनों से दी मात। कप्तान सोफी डिवाइन ने लगाई हाफ सेंचुरी। पहली बार 700 अरब के पार हुआ देश का फॉरेन रिजर्व। 700 अरब के आंकड़े को पार करने वाला चौथा देश बना भारत। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के पास है 700 अरब से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व। एफआईआर शो के राइटर अमित आर्य ने कपिल शर्मा के शो को बताया खराब। कहा बाकी कलाकारों के दम पर चल रहा है शो। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ है कपिल शर्मा का शो। पूरी हुई तनु वेड्स मनु 3 की स्क्रिप्ट। ट्रिपल रोल में दिखेंगी कंगना रनौत। 2025 में रिलीज होगी फिल्म।